हेलो एवरीवन, सो गाइस आज हम वुड को उठाते हैं और इस पर पूरा एक पैराग्राफ लाया हूँ गाइस, इसको ट्रांसलेट करते जितने भी वुड के इस्तेमाल मेरे दिमाग में थे मैंने कोशिश किए सब डाल दूँ। अगर कुछ बच गया होगा तो आप मुझे कमेंट में बताना जो आपने सुना हो और मैंने ना लिखा हो, कोशिश करते हैं गाइस। चलिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि घर पर बैठे हुए मैं बोर हो रहा था, अचानक मैंने अपने दोस्त को फ़ोन किया और उससे पूछा कि क्या वो मेरे घर आएगा। इतना बड़ा हमारा सेंटेंस है गाइस। अब इसमें देखते हैं वुड का इस्तेमाल कहाँ पर होगा। देखिए, या तो घर पर बैठे हुए मैं बोर हो रहा था, तो कैसे होगा? ये जो बैठे हुए, लेटे हुए, सब प्रेजेंट पार्टिसिपल है, तो आप सीधा बोल सकते हैं कि या तो अगर वाकई लिटरली बैठने का दिखाना है तो सिटिंग एट होम, ओके, यानी घर पर बैठे हुए। मैं बोर हो रहा था, आई वॉज फीलिंग बोर्ड। एक्चुअली बोर्ड हमारा एडजेक्टिव है, तो आई वॉज फीलिंग बोर्ड ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है। अचानक हो रहा था, अचानक, चाहे तो इसमें यहीं पर ऐसे कर सकते हैं। सडनली मैंने अपने दोस्त को फ़ोन किया, आई मेड अ कॉल टू माई फ्रेंड। जो मैं ट्रांसलेट कर रहा हूँ उसको अलग कलर कर देता हूँ, थोड़ा सही दिखेगा। नहीं, ऐसे नहीं, ऐसा कर दूँ क्या? ऐसे ही रहेगा, ओके। तो सिटिंग एट होम आई वॉज फीलिंग बोर्ड, सडनली आई मेड अ कॉल टू माई फ्रेंड। मैंने अपने दोस्त को फ़ोन किया और उससे पूछा, एंड आस्क्ड हिम, ठीक है, कि क्या वो मेरे घर आएगा। ये आपका वुड का इस्तेमाल है, और ये वुड भी कैसा है, पूरा इनडायरेक्ट स्पीच में, कि क्या वो मेरे घर आएगा। अगर इस तरह से हो, आपको शायद पता है कि नहीं, आई डोंट नो, आप या तो इफ़ का इस्तेमाल करेंगे या वेदर का इस्तेमाल करेंगे। तो इफ़ या मैं ब्रैकेट ऐसे स्लैश करके वेदर भी लिख देता हूँ, इफ़ या वेदर में से कोई एक लगाना है। इफ़ क्या वो मेरे घर आएगा, इफ़ ही वुड कम टू माई हाउस या होम कर सकते हैं, ये है आपका। तो यहाँ से जो आप देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये आपका, इसको कलर कैसे करें, ऐसे सही रहेगा, ऐसे पीला ही सही है, ये आपका बोर्ड हो गया। समझ में आ रहा है? तो सिटिंग एट होम आई वॉज फीलिंग बोर्ड, सडनली आई मेड अ कॉल टू माई फ्रेंड एंड आस्क्ड हिम इफ ही वुड कम टू माई हाउस, क्या वो मेरे घर आएगा। तो वुड का एक इस्तेमाल तो ये होता है नैरेशन वाला, यानी कि विल बदल जाता है वुड। अब ये क्यों होता है, कैसे होता है, नैरेशन पढ़ेंगे समझ में आ जाए। अब देखिए, उसने कहा कि वो आएगा, ठीक है, कैसे होगा, ही सेड दैट, वो आएगा। अब ये चूंकि अगर इधर वाला पास्ट है तो इधर का जो विल है वो भी विल वुड हो जाएगा, यू नो, वही नैरेशन वाला खेल है। तो ही सेड दैट ही वुड कम, ये भी हो गया। अब देखिए, मैं उसका इंतज़ार करने लगा, वो तो नॉर्मल है, इसमें कोई वुड नहीं है, कैसे होगा ये, मैं उसका इंतज़ार करने लगा, आई स्टार्टेड वेटिंग फॉर हिम, कुछ देर बाद वो आया, ओके, ही केम, ऐसे थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं इसका, ही केम आफ्टर सम टाइम। आप ये भी कह सकते थे आफ्टर सम टाइम ही केम या ही केम टू माई होम, पूरा आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। मैंने उसे काउच पर बैठने को कहा, यहाँ तक कोई वुड नहीं है, बट एक कहानी है तो भी कहानी में सिर्फ वुड थोड़ी होगा। मैंने उसे काउच पर बैठने को कहा, आई आस्क्ड हिम टू सिट ऑन द काउच। ये एकदम करेक्ट तरीका है, नहीं तो फिर होगा आई सेड टू हिम हे सिट ऑन द काउच। ये मत सोचो कि आस्क मतलब पूछना होता है, आस्क का एक और मतलब होता है कुछ करने के लिए कहना, समझ रहे? अच्छा, वो बैठ गया, कैसे होगा भाई, वो बैठ गया तो ही सेट डाउन, वो बैठ गया। मैंने उससे पूछा, तुम क्या लोगे, यहाँ भी आपको वुड चाहिए। मैंने उससे पूछा, तुम क्या लोगे, आई आस्क्ड हिम, तुम क्या लोगे, और यहाँ ऑप्शन है चाय या कॉफ़ी, यहाँ तक है,
इसको ऐसे कर देता हूँ, चाय या कॉफी. आई आस्क्ड हिम व्हाट. अब या तो आप वुड यू टेक भी बोलो या वुड यू लाइक भी लगा सकते. तो व्हाट वुड यू थोड़ा और अच्छा कर दे, तो व्हाट वुड यू लाइक टू हैव. ये एकदम रटा रटा आता है. तो वुड का एक और इस्तेमाल है, जब किसी से हम उसकी इच्छा पूछते हैं, क्या लोगे, क्या कहना चाहोगे, तो वुड लगाते. व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, ऑप्शन में है टी और कॉफी. व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, टी और कॉफी. ठीक है जी, इस तरीके से चाय या कॉफी हो गया. उसने कहा मैं कॉफी लेना चाहूंगा. अब देखिए, उसने कहा मैं कॉफी लेना चाहूंगा, ही सेड. अब अगर आपकी कोई इच्छा है, आप वुड में बता सकते कि आई वुड लाइक टू हैव कॉफी, या हैव का मतलब लेना, आई वुड लाइक टू हैव कॉफी. और ये सब कुछ अभी डायरेक्ट स्पीच में चल रहा है, इनडायरेक्ट नहीं है, डायरेक्ट है. फिर भी यहाँ वुड आया क्योंकि नॉर्मल है कि मैं ऐसा करना चाहूँगा, वुड लगाते हैं. अब जाके अवार्ड शो देखिए, आईफा अवार्ड शो. आई वुड लाइक टू कॉल मिस्टर अमिताभ बच्चन ऑन द स्टेज. एंड फिर जाता है, ऐसे होता है कि दिस अवार्ड गोज टू मिस्टर ब्ला ब्ला. अब वो जो ब्ला ब्ला आएंगे, बोलेंगे, पूरा घबराए रहेंगे वो, थैंक यू, आई वुड लाइक टू थैंक माई प्रोड्यूसर, माई डायरेक्टर, आई वुड लाइक टू थैंक माई फैमिली, आई वुड लाइक टू थैंक द एंटायर टीम. वुड 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 आपको सुनाई देने वाला है, समझ रहे. चलिए, मुझे मालूम था कि कॉफ़ी ही लेगा. अच्छा, मुझे मालूम था कि वो कॉफ़ी ही लेगा, कि वो कॉफ़ी कॉफ़ी ही लेगा, क्योंकि पिछले साल जब हम शिमला गए थे, हम दिन में कई बार कॉफ़ी पिया करते थे. ओ माय गॉड, बहुत बड़ा है, कोशिश करें, आप लोग भी कीजिए. मुझे मालूम था कि वो कॉफ़ी ही लेगा. आई न्यू दैट. अब फिर वही हो गया, पास्ट है तो इसका जो विल है वो वुड हो जाएगा. आई न्यू दैट. अब हम ही विल नहीं कह सकते. आई न्यू दैट ही वुड टेक कॉफी, ही लेगा. ही वैसे तो मैं लिख सकता हूँ ही वुड टेक कॉफी या ही वुड टेक ओनली कॉफी. मैं ओनली भी लगा सकता हूँ, थोड़ा और लेटेस्ट करेगा. आई न्यू दैट ही वुड टेक, थोड़ा मैं लेटेस्ट कर रहा हूँ, नथिंग बट कॉफी. आई न्यू दैट ही वुड टेक नथिंग बट कॉफी. कितना बेहतरीन है ना, नथिंग बट का एक छोटा इस्तेमाल करा दिया मैंने. इसका मतलब है कि कॉफ़ी ही, कॉफ़ी के अलावा कुछ नहीं लेगा, सिर्फ कॉफ़ी लेगा, यूँ समझ लो. तो आई न्यू दैट ही वुड टेक नथिंग बट कॉफ़ी, क्योंकि 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 बिकॉज पिछले साल जब हम शिमला गए थे, बिकॉज वेन टू शिमला लास्ट ईयर गए थे, हम दिन में कई बार कॉफ़ी पिया करते थे. आपको लग रहा होगा यूज़ टू मार दो, मैं यहाँ पर वुड लगाऊंगा. वी वुड ड्रिंक कॉफ़ी, टेक कॉफ़ी, हैव कॉफ़ी, कुछ भी बोल सकते. वी वुड हैव कॉफ़ी कई बार, मैनी टाइम्स, सेवरल टाइम्स अ डे. इन अ डे कहने की जरूरत नहीं, सेवरल टाइम्स अ डे. अब आता है कि भैया मैंने यहाँ पर वुड क्यों लगाया, ये वुड हैव, ये इस हैव कहीं हैव से आप कंफ्यूज ना हो जाए. भैया मैं टेक लगा दूँ, आई वुड टेक, आप कहेंगे वुड हैव लगा दिया. ये वुड मैंने क्यों लगाया, वी वुड टेक कॉफ़ी सेवरल टाइम्स इन अ डे, आप कहेंगे यूज टू क्यों नहीं लगाया. यूज टू के अंदर क्या होता है, पुरानी आदत होती है कि हम पहले किया करते थे अब नहीं करते, वो यूज टू होता है. वुड जो है वो यूज टू जैसा ही दिखाई देता है, लेकिन जब हम वुड बोलेंगे तो इससे ये पता नहीं चलेगा कि अच्छा पहले करता था अब नहीं करता है. जैसे अगर मैं बोलूँ कि आई यूज टू प्ले क्रिकेट, इससे ये पता चलता है ओ प्रेजेंट में नहीं खेलता, पहले खेला करता था. लेकिन अगर मैं बोलूँ यू नो यार वी वुड प्ले क्रिकेट, तो इससे कहीं ये पता नहीं चल रहा कि प्रेजेंट में खेलता है कि नहीं खेलता है. मैं खेला करता था ठीक है, बट प्रेजेंट में नहीं खेलता हूँ ये इससे पता नहीं चलेगा. तो बहुत स्मार्ट गेम खेलना पड़ता है वुड के साथ. तो वी वुड टेक कॉफी सेवरल टाइम्स अ डे, हम हर शाम कॉफ़ी स्टॉल जाया करते थे. इससे ये पता नहीं चल रहा कि अब जाते कि नहीं जाते, मैं शिमला गया तो जाया करते थे, वुड लगाइए. और कई प्याले कॉफ़ी पी जाया करते थे. देखिए कैसे होगा जी, आइए. तो हम हर शाम कॉफ़ी स्टॉल जाया करते थे. वी वुड गो टू, मान लो द कोई खास कॉफ़ी स्टॉल होगा, वी वुड गो टू द कॉफ़ी स्टॉल हर शाम, एवरी इवनिंग. और कई प्याले कॉफ़ी पी जाया करते थे. एंड अब एंड बोला तो अलग से फिर वुड लगाने की जरूरत नहीं है. एंड ड्रिंक या टेक मैनी कप्स ऑफ कॉफ़ी. ठीक है जी, चलिए
एक बार तो एक अजीब सी घटना घटी। एक बार को आप वंस भी कह सकते हो, वन डे भी कह सकते हो। चलो वंस एक अजीब सी घटना घटी। वंस अ अजीब सी मतलब बिजार कह सकते हैं। वंस अ बिजार, स्पेलिंग गलत दिखा रहा है। वंस अ, अच्छा ये बिजार इंसिडेंट, घटना घटी ना, इंसिडेंट टुक प्लेस। टुक प्लेस मतलब घटी, कोई घटना जब घट जाए तो टेक प्लेस एक फ्रेजल वर्ब आता है। वंस अ बिजार इंसिडेंट टुक प्लेस। अच्छा, हम कॉफी के स्टॉल से बाहर ही निकले थे, ऐसा होना चाहिए बाहर निकले ही थे, ये ज़्यादा सूट करेगा। बाहर निकले, एक मिनट, मैंने सर नीचे नहीं कर रहा हूँ कहीं मेरा गंजापन ना दिख जाए, थोड़े बाल झड़ रहे हैं इसमें, ऐसे करके बात कर रहा हूँ। हम कॉफ़ी के स्टॉल से बाहर निकले ही थे कि हमने एक लड़की को परेशान देखा। इतना बड़ा आपका सेंटेंस है, इसको कैसे हम ट्रांसलेट करेंगे? हम कॉफ़ी के स्टॉल से बाहर निकले ही थे। आपने शायद सुना है कि नहीं सुना है, आपने नो सुनर सुना है क्या? ऐसे आप इसको, मतलब स्टैंडर्ड इंग्लिश की बात बता रहा हूँ, वैसे तो आप लोग खुद ही ट्रांसलेट कर ही लोगे। अगर मैं इसको ऐसे बोल दूँ कि नो, एक मिनट जरा, नो सुनर डिड या हैड कुछ भी लगा सकते हो, मैं डिड लगा देता हूँ। नो सुनर डिड वी कम कॉफी स्टॉल से बाहर, कम आउट ऑफ द कॉफी स्टॉल, बाहर निकले ही थे। नो सुनर के साथ देन लगता है। देन हमने एक लड़की को परेशान देखा। देन वी सॉ अ गर्ल परेशान, ये उसकी अवस्था है। एडजेक्टिव लगाइए थर्ड फॉर्म वाला, डिस्टर्ब्ड, बॉदर्ड, यू नो, डिस्टर्ब कर देता हूँ, बॉदर्ड कर देता, ज़्यादा बेटर है। हाँ जी, नो सुनर डिड वी कम आउट ऑफ द कॉफी स्टॉल देन वी सॉ अ गर्ल बॉदर्ड। ओके, अगर ये आपको नो सुनर नहीं आता है तो कैसे होगा? हम कॉफ़ी के स्टॉल से बाहर निकले ही थे, एज सुन एज वी लगा सकते, एज सुन एज वी केम आउट ऑफ द कॉफी स्टॉल वी सॉ अ गर्ल बॉदर्ड। ठीक है, आगे देखते हैं। वो अपनी स्कूटी स्टार्ट करने की कोशिश कर रही थी लेकिन उसकी स्कूटी स्टार्ट नहीं हुई। ओके, स्कूटी, फाइन। तो शी वॉज ट्राइंग टू स्टार्ट हर स्कूटी बट हर, गौर फरमाइएगा, हर स्कूटी, आपको लग रहा होगा डिडेंट मारेगा, जी नहीं, मैं वुडेंट लगाऊंगा, वुडेंट स्टार्ट। काहे लगा भैया वुडेंट? बहुत बड़ी बात है ये, पता नहीं आप में से कितनों को पता है। रिफ्यूज़ल ढूंढ लीजिए कहीं पर, कई बार वुडेंट जो है रिफ्यूज़ल के लिए आता है कि अचानक, जैसे आप, खासकर मैंने देखा है मशीनों के लिए, कई बार तो कुत्ते के लिए, मैंने कुत्ते को हटाने की कोशिश की, कुत्ता हटा ही नहीं, तो डिडेंट की जगह वुडेंट। मैंने मशीन स्टार्ट करने की कोशिश की, मशीन स्टार्ट ही नहीं, एकदम रिफ्यूज़ कर दे, मैं नहीं होऊंगा जी स्टार्ट, मशीन वुडेंट स्टार्ट। एक बार सर्च कर लीजिएगा अगर मुझ पर भरोसा ना हो तो, और मैं ऐसा कुछ लिखूंगा ही नहीं जो गलत हो, आप समझ ही सकते हैं। तो ये वुडेंट यहाँ पे यूज़ होता है, बट अभी मैंने देखा है कि जैसे हम लोग इंग्लिश बोलते हैं जिस माहौल में, यहाँ लोग इतना इसका इस्तेमाल नहीं करते, बट इस्तेमाल होता तो है। चलिए, जैसे नो सुनर भी तो कहाँ है लोग यूज़ करते हैं ज़्यादा, हो गया। तो शी वॉज ट्राइंग टू स्टार्ट हर स्कूटी बट हर स्कूटी वुडेंट स्टार्ट, स्टार्ट नहीं हुआ। उसने हम दोनों की तरफ देखा और कहा, अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, कर सकते हैं। चलिए इसको ट्रांसलेट करते हैं तो कैसे होगा जी, हाँ, उसने हम दोनों की तरफ देखा, शी लुक्ड, दोनों की तरफ मतलब हम दोनों को ही देख लिया, शी लुक्ड एट बोथ ऑफ अस, हम दोनों को देखा और कहा, एंड सेड अगर आपको बुरा न लगे तो क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। कहने के तो इसके कई तरीके होंगे, बट वुड भी हमें एक तरीका देता है, ऐसे वुड यू माइंड, और इसके बाद आपको ing लगाना है वर्ब में, वुड यू माइंड, क्या आप मेरी मदद कर सकते, वुड यू माइंड हेल्पिंग मी, सिर्फ इतना, वुड यू माइंड हेल्पिंग मी, इसमें सब आ गया, बुरा वरा मानना सब आ गया, वुड यू माइंड हेल्पिंग मी। आप किसी से बोलेंगे वुड यू माइंड ओपनिंग द डोर, क्या आप दरवाजा खोल देंगे बुरा ना लगे तो, वुड यू माइंड कमिंग हियर, ऐसे। हमने एक दूसरे को देखा, फिर
लड़की को देखा और उसे भरोसा दिलाया कि हम उसकी स्कूटी ठीक कर देंगे। देखिए, तो हमने एक दूसरे को देखा, वी लुक ही कर देते हैं क्योंकि एक दूसरे पर नजर ऐसे मारी होगी, वी लुक्ड एट ईच अदर, एक दूसरे को देखा, अदर फिर लड़की की तरफ देखा, देन लुक्ड एट द गर्ल और उसे भरोसा दिलाया एंड अश्योर्ड हर, भरोसा दिलाया, अश्योर्ड हर कि हम उसकी स्कूटी ठीक कर देंगे। इसको आप नरेशन में चेंज कीजिए, विल को वुड कर दीजिए, अश्योर्ड हर दैट वी वुड फिक्स हर स्कूटी। ठीक है जी, चलिए, हम उसकी स्कूटी को ठीक करने की कोशिश करने लगे लेकिन हम फेल हो गए। चलिए, कैसे होगा, वी करने लगे कोशिश है, वी उसकी स्कूटी को ठीक करने की कोशिश करने लगे, वी स्टार्टेड ट्राइंग, कोशिश करने लगे, वी स्टार्टेड ट्राइंग टू फिक्स हर स्कूटी बट फेल हो गए, बट फेल्ड काफी है। लड़की ने कहा, आपने तो प्रॉब्लम और बढ़ा दी। लड़की ने कहा, द गर्ल सेड आपने तो प्रॉब्लम और बढ़ा दी। आप पास्ट इंडेफिनिट भी लगा सकते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट भी लगा सकते हैं, डजेंट मैटर, इंटरचेंजेबली दोनों यूज होगा। यू हैव बढ़ा देना कि किसी चीज़ को बढ़ा, एग्रावेट एक अच्छा, इधर गूगल सर्च कीजिएगा, एग्रावेटेड होता है ना, एग्रावेट थोड़ा सा और इंटेंस कर देना किसी चीज़ को, नहीं तो वर्सेन का इस्तेमाल कर सकते हैं, यू हैव एग्रावेटेड द इशू, एक बार सर्च कर लेना मैम, यू हैव एग्रावेटेड द इशू। हमने कहा, हम ऐसा क्यों करेंगे, अब देखिए वुड का इस्तेमाल, हमने कहा, वी सेड हम ऐसा क्यों करेंगे, यहाँ भी वुड लगता है, why would we do so या do this, so मतलब ऐसा, why would we do so, हम ऐसा क्यों करेंगे, देख रहे वुड का इस्तेमाल। किसी ने कहा यार तूने मुझे गाली क्यों दी, अरे भाई मैं तुझे गाली क्यों दूंगा भाई, why would I abuse you, भाई तू उस लड़की से क्यों बात कर रहा था, पागल हो गया यार, मैं क्यों बात करूंगा यार, why would I talk to that girl, would। चलिए, अगर हमने स्कूटी ठीक कर दी होती तो हमारी तारीफ की गई होती, लेकिन हमारी तो इंसल्ट हो गई रे, कैसे होगा। अगर हमने स्कूटी ठीक कर दी होती, यानी कि आपका ये हो गया कंडीशनल थर्ड हो गया, यू नो, चलिए कोशिश करते, वुड तो यहां भी चलेगा ना, इफ वी हैड फिक्स्ड द स्कूटी, हमारी तारीफ की गई होती, पैसिव, ये रिजल्ट जो है पैसिव में, वी ध्यान दीजिएगा, वी वुड हैव बीन एडमायर्ड, प्रेज्ड, वी वुड हैव बीन एडमायर्ड, लेकिन बट हमारी तो इंसल्ट हो गई, बट वी वर इन इंसल्टेड, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव, वी वर इंसल्टेड, नहीं तो वी गॉट इंसल्टेड, वी गॉट ह्यूमिलिएटेड, ये भी लगा सकते हैं। ठीक है जी, मैंने तभी सोच लिया कि किसी लड़की की मदद करने से बेहतर मैं किसी पागल के साथ कुछ समय बिता लूंगा। सुपर, ओके, मैंने तभी सोच लिया, फन है इसमें, तभी मीन्स जस्ट देन या देन, ऐसे भी कह सकते कि जस्ट देन आई थॉट क्या सोचा भाई, सोच लिया कि, या ऐसे भी कह सकते हैं, जस्ट देन आई थॉट दैट किसी लड़की की मदद करने से बेहतर किसी पागल के साथ कुछ समय बिता लूँगा, आई वुड रैदर स्पेंड सम टाइम विद अ मैड पर्सन देन किसी लड़की की मदद करना, देन हेल्प एनी गर्ल, हेल्प है, हेल्पिंग नहीं हो सकता है क्योंकि इसके अंदर बिल्कुल बिना टू वाला जो इन्फिनिटिव हुआ आता है,
और ये वुड रैदर का एक इस्तेमाल होता है, जैसे कि तुझसे शादी करने से अच्छा तो मैं अपनी नौकरानी से शादी कर लूँगा, आई वुड रैदर मैरी माई मेड देन यू, है ना। ओके, तेरी कंपनी में नौकरी करने से अच्छा तो मैं ठेले पे केले बेच लूँगा, यू नो, इस तरह के सेंटेंसेस। आई वुड रैदर सेल बनानाज ऑन द कार्ट देन वर्क इन योर कंपनी, है ना, वुड रैदर का इस्तेमाल है। खैर, जैसे ही मैं किचन में गया कॉफ़ी बनाने के लिए, किसी ने दरवाजे की घंटी बजाई। अच्छा, खैर मतलब एनीवे, जैसे मैं किचन में गया, एज सून एज आई वेंट इन टू द किचन या एंटर्ड द किचन, चलो एंटर कर देते हैं, एज सून एज आई एंटर्ड द किचन, किसी ने दरवाजे की घंटी बजाई। समवन, रिंग मतलब बजाना, तो रिंग का सेकंड फॉर्म रैंग, समवन रैंग द डोर बेल, ठीक है। मेरे दोस्त ने मुझसे पूछा, कौन हो सकता है, मेरे दोस्त ने मुझसे पूछा, भाई आइए, माई फ्रेंड आस्क्ड मी, कौन हो सकता है, हु वुड बी। चूंकि हम वुड का इस्तेमाल सीख रहे हैं तो ये कराना जरूरी है, नहीं तो इसकी जगह भैया तमाम, अच्छा हु की जगह मैंने दो बार वुड लिख दिया, हु, आप सही, हु वुड बी, कौन हो सकता है भाई, हु वुड बी, आप हु कुड बी, हु कैन बी, बहुत तरीके आपके पास है, हु मे बी, बट वुड भी यहाँ काम करता है। माई फ्रेंड आस्क्ड मी, हे हु वुड बी, अब पूरा ऐसे हो सकता है, हु वुड बी एट दिस टाइम, हु वुड बी एट द डोर, यू नो, हु वुड बी, मैंने कहा, मेरी पड़ोसन होगी, यू नो, मैंने कहा, आई सेड इट वुड बी माई नेबर, इट वुड बी माई नेबर। देख रहे हैं, जब आपको ऐसा लगता है, आप घर बैठे हैं, आपके फोन की घंटी बजी, आपको लगता है ये यार मेरी गर्लफ्रेंड का कॉल होगा, इट वुड बी माई गर्लफ्रेंड्स कॉल, आप मे बी माइट बी का सहारा लो, बट जहाँ पर तुरंत एक एक्सपेक्टेशन होती है ना, कैसे इस वक्त उसी का फोन आता है, ऐसे जगहों पर वुड बहुत काम करता है। चलिए, मेरे दोस्त ने दरवाजा खोला, दरवाजे पर सिक्योरिटी गार्ड था। चलो, मेरे दोस्त ने दरवाजा खोला, कैसे होगा, माई फ्रेंड ओपन द डोर, दरवाजे पर सिक्योरिटी गार्ड था, या तो आप देर से उठाओ, ऐसे उठा लो कि देर वॉज, और फिर द लगाना पड़ेगा, देर वॉज द सिक्योरिटी गार्ड एट द डोर, देर वॉज द सिक्योरिटी गार्ड एट द डोर, यही बेस्ट लग रहा है, दरवाजे पर सिक्योरिटी गार्ड था। अच्छा जी, मैं दरवाजे पर गया और उससे पूछा, क्या बात है, मैं दरवाजे पर गया, आई वेंट टू द डोर एंड आस्क्ड हिम, क्या बात, व्हाट्स द मैटर, उसने कहा, चेयरमैन का नंबर है क्या आपके पास, उसने कहा, he said do you have the contact number of the chairman, मैंने कहा, मेरे पास चेयरमैन का नंबर नहीं है, मैंने कहा, I don't have his number, मैंने ऐसे शॉर्ट में लिख रहा हूँ, I don't have the number of the chairman, उसने कहा, एक बार चेक कर लो, he said, please check, ये एक बार के लिए वंस कहने की जरूरत नहीं है, प्लीज चेक इट ऐसे भी कह सकते हैं, या एक बार चेक कर लो,
वो एक बार मुझे वो फीलिंग नहीं लग रही कि एक बार को प्लीज़ या वन टाइम प्लीज़ चेक इट वन टाइम, ठीक है वन टाइम से काम चला सकते हो, प्लीज़ चेक इट या कुड यू प्लीज़ चेक इट, अगर कोई ऐसे बोलेगा कि कुड यू प्लीज़ चेक इट, तो आप उस वे में ले लीजिए। या चलो यहाँ भी वुड कर देते हैं, वुड से भी तो रिक्वेस्ट करते, वुड यू ऐसे कर सकते, वुड यू प्लीज़ चेक इट, ये वाली फील है। मैंने कहा अगर मेरे पास उसका नंबर होता तो मैं आपको दे देता, मैंने कहा, अब देखिए आई सेड अगर मेरे पास उसका नंबर होता, इफ़ आई हैड हिज नंबर आपको दे देता, आई वुड गिव इट टू यू, इट मतलब वो नंबर, आई वुड गिव इट टू यू, मैं आपको दे देता भाई, आई वुड गिव इट टू यू। उसके बाद वो चला गया आफ्टर दैट ही वेंट अवे। मेरे दोस्त ने कहा अगर मैं सिक्योरिटी गार्ड होता तो मैं किसी से चेयरमैन का नंबर नहीं मांगता, मेरे दोस्त ने कहा, माई फ्रेंड सेड इफ आई वर द, मैं द लगा रहा हूँ क्योंकि उसी की बात हो रही है, इफ आई वर द सिक्योरिटी गार्ड एक मिनट भैया, मैं किसी से चेयरमैन का नंबर नहीं मांगता, आई वुड नॉट आस्क एनी वन फॉर हिज नंबर, हिज लगा देता हूँ चेयरमैन का, फॉर हिज या पूरा लिख ही देता हूँ, फॉर द नंबर ऑफ द चेयरमैन, चलो ठीक है जी, नहीं मांगता, आई वुड नॉट आस्क एनी वन फॉर द नंबर ऑफ द चेयरमैन। मेरे दोस्त ने पूछा तुझे लगता है कि तेरी पड़ोसन आएगी, कैसे होगा, माई फ्रेंड आस्क्ड डू यू थिंक दैट, यहां भी वुड लगता है, दैट योर नेबर वुड कम, देख रहे हैं? हम किसी को ऐसे बोलते क्या है, तुझे लगता है कि यार आज तुझे सैलरी मिलेगी, डू यू थिंक दैट यू वुड गेट योर सैलरी टुडे, वुड यहां भी लगता है, जहां हमें पता नहीं है, एक एक होप, एक ऐसे अंदाजा पे काम करते, यू नो। मैंने कहा मुझे नहीं लगता कि वो इस वक्त आएगी क्योंकि इस वक्त वो खाना पका रही होगी, देखिए वुड को जी भर के देखिए भैया। मैंने कहा आई सेड मैंने कहा मुझे नहीं लगता कि वो इस वक्त आएगी, आई डोंट थिंक दैट शी वुड कम दिस टाइम, कई बार दिस टाइम का मतलब इस बार हो जाएगा, तो एट लगा दो, एट दिस टाइम, मुझे नहीं लगता कि वो इस वक्त आएगी, एट दिस टाइम, क्योंकि बिकॉज इस वक्त वो खाना पका रही होगी, शी आप यहाँ भी वुड लगा सकते हैं, शी वुड बी कुकिंग फूड राइट नाउ या एट दिस टाइम, ठीक है जी। मेरे दोस्त ने कहा कल मैंने कुछ पुलिस वालों को तेरे घर के पास देखा था, मेरे दोस्त ने कहा माई फ्रेंड सेड, ठीक है अब डायरेक्ट स्पीच है, कल मैंने कुछ पुलिस वालों को तेरे घर के पास देखा था, तो आई सॉ सम पुलिस ऑफिशियल्स, यू नो सम पुलिस ऑफिशियल्स नियर योर हाउस, देखा था। मैंने कहा वो उस चोर के केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे होंगे जो पिछले हफ्ते मेरे पड़ोस में हुआ था, उस चोरी के केस को ओके। मैंने कहा आई सेड, अब यहां जो आप देख रहे हैं ना, वो उस चोरी के केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे होंगे, कब कर रहे होंगे, बात कब की हो रही है, कल की, यस्टरडे की हो रही है, तो कल की जब बात हो रही है तो यहां पर देखिए वुड यहां भी काम करता है, बट शायद आपको पता नहीं होगा, हम ऐसे बोल सकते कि दे मतलब पुलिस वाले, दे वुड हैव बीन, आप लगा सकते दे वुड हैव बीन इन्वेस्टिगेटिंग, दे वुड हैव बीन इन्वेस्टिगेटिंग क्या था,
उस चोरी के केस को दे वुड हैव बीन इन्वेस्टिगेटिंग द थेफ्ट केस जो पिछले हफ्ते मेरे पड़ोस में हुआ था विच हैड टेकन प्लेस इन माई पड़ोस यानी कि नेबरहुड पिछले हफ्ते लास्ट वीक। देख रहे कितना खतरनाक है। अब क्वेश्चन आता है कि सर ये क्यों, दे वुड हैव बीन इन्वेस्टिगेटिंग, ये कंडीशनल जैसा नहीं लग रहा है क्या? हाँ लग रहा है, बट भैया ये वुड हैव बीन का ये भी एक इस्तेमाल है, इसीलिए तो ये इस्तेमाल कई बार इंसान नहीं बताता है कि यार बंदा कन्फ्यूज हो जाएगा। लेकिन ऐसा अगर न्यूज़पेपर में आएगा तो क्या करोगे आप, इसको कंडीशनल समझ लोगे? ये अंदाज़ा है, हम लोग स्पोकन में इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करते, हम क्या बोलते हैं दे माइट हैव बीन, दे मे हैव बीन, दे मस्ट हैव बीन, हम ऐसे यूज़ करते हैं। वुड हैव बीन को जानबूझ के हटा देते हैं तो फिर बच्चे कहते हैं अरे यार क्या पता ही नहीं चल रहा कंडीशनल है। बट ऐसा भी है, दे वुड हैव बीन इन्वेस्टिगेटिंग द थेफ्ट केस विच हैड टेकन प्लेस इन माई नेबरहुड लास्ट वीक। अच्छा, मेरे दोस्त ने कहा भाई मैं तो कहूँगा कि हमें कॉफ़ी पीने के लिए किसी कॉफ़ी स्टॉल पर चलना चाहिए। मेरे दोस्त ने कहा, चलिए, माय फ्रेंड सेड, मैं तो कहूँगा। अच्छा ये जब आ जाए ना यार, मैं तो कहूँगा कि हमें ये नहीं करना चाहिए, मैं तो कहूँगा को भी हम वुड से बोल सकते हैं कि आई वुड से, ये चलता है, मैं आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ जो चलता है। आई वुड से, मैं तो कहूँगा, मतलब एक ओपिनियन है, यू नो, आई वुड से, मैं तो कहूँगा दैट हमें कॉफ़ी पीने के लिए किसी कॉफ़ी स्टॉल चलना चाहिए। वी शुड गो टू एनी कॉफ़ी स्टॉल टू टेक कॉफ़ी। मैंने कहा चलो चलते हैं। आई सेड लेट्स गो। हाय हो गया जी। देखिए आपका वुड, ओ माय गॉड, ये तो आप स्क्रीनशॉट भी लोगे तो आपको कुछ दिखाई नहीं देने वाला है। आई डोंट थिंक आपको दिखाई देगा। मैं काम करता हूँ, इसका ना पीडीएफ डाल देता हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पे अभी के अभी। ओके, पीडीएफ बना के मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है इंग्लिश विद चंदन। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर ताकि आपको पता रहे क्या नाम है, इंग्लिश विद चंदन। वहाँ से जाके आप ये ले सकते हैं गाइस, टेलीग्राम पे जाइए, उसको ज्वाइन कीजिए, देखिए आपको मिल जाएगा। ठीक है, नहीं तो ऐसे आप लेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। चलिए, थैंक यू गाइस, थैंक यू।